भोपाल व्हीकल एक्ट कानून के चलते राजधानी की सड़कें हुई सुनसान, आम नागरिक वाहन हड़ताल से हुए परेशान। बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के अधिनियम जो कानून पारित किया गया है, जिसमें यदि किसी वाहन से एक्सीडेंट करने पर किसी व्यक्ति मृत्यु होती है और ड्राइवर उस जगह से व्यक्ति को छोड़कर भाग जाता है तो उसे जुर्माने के तौर पर लगभग 7 लाख रुपये जुर्माना एवं 10 साल की सजा का कानून पास किया गया है, जिसके चलते देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि भोपाल सहित जगह जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। भोपाल के नादरा बस स्टैंड पर बस चालकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनके द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट कानून को वापस लेने की मांग की गई। साथ ही इसका असर राजधानी में जगह जगह देखने को मिला। पेट्रोल पंप के ऊपर भी बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल देखने को मिली। साथ ही बाहर से आए हुए यात्री रेलवे स्टेशन के बाहर घंटे इंतजार करने पर मजबूर हैं। उनको यहाँ किसी तरीके का साधन नहीं मिल पा रहा है। अब देखना होगा कि ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी और आम जनता इसके चलते कब तक यूं ही सड़कों पर परेशान रहेगी। कई जगह हाईवे पर भी ट्रक ड्राइवर द्वारा चक्का जाम किया गया है। नमस्कार, आज मोटर व्हीकल एक्ट के पास होते दिने की वजह से सारी व्हीकल्स हड़ताल पे हैं, जिस वजह से लोग बाग काफ़ी परेशान हैं। ऑटो रिक्शा वाले जा नहीं रहे और जा रहे हैं तो बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं, जिस वजह से जनता काफ़ी परेशान है। आइए जनता से जानते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। बताओ भैया, संजय भैया, हमारे संजय भैया को बताओ, कब से आप इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का? मैं तो रात से कर रहा हूँ, 6 बजे से। रात से कर रहे हैं, और कितना पैसे चार्ज कर रहे हैं लोग? अरे अभी मैं कहीं भोपाल से कहीं जा ही नहीं पाया, मैं आया हूँ मंडला से, मेरे को जाना था इंदौर, इंदौर से अलीराजपुर, बस भी नहीं मिल रही, ट्रेन भी इतना भरी है, ट्रेन से नीचे उतर के आ गए, बस बंद होने के कारण। बताइए उसकी क्या वजह बंद क्यों हुई? और आप कब से खड़े हुए हैं? 2-2.5 घंटे हो गए। कहाँ जाना है आपको? गेहूंखेड़ा। गाड़ियाँ नहीं मिल रही है? जाने को तैयार नहीं, कोई नहीं जा रहा। तो देखा आपने किस प्रकार से सभी लोग परेशान हैं इस एक्ट की वजह से, हड़ताल पे हैं सारी ऑटो सारी बसेस, जिस वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं, उन्हें अपना साधन नहीं मिल रहा है जाने का। आना गाड़ियाँ मिल रही हैं? बसें नहीं मिल रही, बसों से जात लाल बसों से यहाँ। ऑटो आपने करा? ऑटो से जाने की कोशिश करी आपने? ऑटो की कोशिश करी, मिले ही नहीं रहे ऑटो, ले ही नहीं जा रहे ऑटो वाले। 1000-1500 बता रहे। हमारे साथ कुछ ड्राइवर साथी भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि हड़ताल क्या किस प्रकार से की जा रही है। मैं रामकृष्ण यादव, मैं ये कहना चाहता हूँ जो अमित शाह जी ने मतलब जो नियम लागू किए हैं ना, जो पहले ऐसे नियम नहीं थे मतलब, तो क्या जैसे कि अगर कोई बाइक वाला आके हमारी ऑटो में अगर गाड़ी ठोकता है और वो गलती से अगर मर जाता है तो उसमें ऑटो वाले की तो कोई गलती नहीं है ना, तो हम लोग 10 साल की सजा क्यों भोगे और 7 लाख रुपए जुर्माना क्यों दें हम? मतलब हमारी इतनी सैलरी नहीं रहती और हम इतनी कमा नहीं पाते, मतलब कि हम जो मतलब एक महीने में हम मतलब क्या एक दिन में हम 500-700 रुपए कमाते हैं, और जो कि हम अगर 700 रुपए कमाते हैं तो क्या हमारा मतलब वो करने के बाद फिर घर के बच्चों को कैसे पालेंगे, घर का कैसे खर्चा उठाएंगे हम, तो मतलब कैसे अगर सरकार अगर जी हाँ सरकार ये नियम लागू कर दे, अगर हाँ अगर सजा दे रही है ना, तो 1 करोड़ रुपए सरकार हमको मतलब रिटर्न में वो करे, मतलब बीमा करे हम, हाँ के मतलब के ड्राइवर को सजा हो रही है तो मतलब 1 करोड़ रुपए ड्राइवर को देना चाहिए, तो आराम से मतलब ड्राइवर सजा काटेगा और हमारे घर वाले बिल्कुल जुर्माना भुगतेंगे हम, और हमारे घर वाले बच्चे और ना घर वाले सब एकदम सेफ्टी से रहेंगे और सब कुछ होगा, मतलब हम क्यों मतलब ये करें, मतलब 10 साल की सजा इनको दीजिए। देखिए पहली बात तो क्या कोई किसी को मारता नहीं है, ड्राइवर तो चींटी तक नहीं मारती है, तो आदमी का एक्सीडेंट क्या करेगी? कोई आदमी किसी बस में ट्रक में पीछे से घुस जाएगा तो क्या ड्राइवर को सजा दी जाएगी? और पे ड्राइवर से जे बोला जा रहा है तत्काल ड्राइवर उठा के उसको हॉस्पिटल ले जाए, हॉस्पिटल जब तक ड्राइवर ले आएगा पब्लिक आकर उसको वोट डालेगी, मार पब्लिक वही मार डालेगी उसको। नहीं तो आज तक ड्राइवर को गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी दी है? ड्राइवर 5000-7000 की नौकरी करता है तो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? घर का मकान घर का सब कुछ किराए का, कि किराया देगा कि अपने बच्चों को पालेगा? गवर्नमेंट उठाया मुंह और लगा ली जुबान तालू से कि 7 लाख रुपए जुर्माना करो, 10 लाख रुपए 10 साल की सजा दो इनको। कोई ड्राइवर किराए से रहता है, 100 रुपए दूध पानी का खर्चा आता है उसका, मोटा मकान मालिक को मोटर मालिक को किराया ही देगा तो वो क्या करेगा ड्राइवर? जिसके पास 1 लाख रुपए होंगे मैडम वो कभी कोई दूसरे की नौकरी करने नहीं जाएगा, वो खुद का बिजनेस करेगा, खुद का धंधा करेगा, धंधा कर लेंगे ना भाई, खुद का धंधा करेगा, जिसके पास 10 लाख रुपए तो होंगे सब्जी का, वो खुद का धंधा करेगा, वो दूसरे की नौकरी नहीं करेगा, जिसके जिस ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए ड्राइवरी करेंगे मतलब गाड़ी बंद करेंगे हम।
तो देखा आपने इस एक्ट के पास होने की वजह से जनता एवं जितने भी ड्राइवर हैं वो किस प्रकार परेशान हो रहे हैं, किस प्रकार हड़ताल कर रहे हैं, किस प्रकार इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन साहिल के साथ मैं अमृता शर्मा, देखते रहिए फास्ट समाचार भोपाल।